हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, हमने करंट अफेयर्स 2022 की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके ऑलरेडी 8 वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके आप ये वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कि हमने करंट अफेयर्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो आपके इवेंट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें नोबेल प्राइज़ था आपका, 94th ऑस्कर अवार्ड था, दादा साहब फाल्के अवार्ड था, इसके अलावा आपका इम्पोर्टेंट ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडिया जो थे वो हमने डिस्कस किए थे, और इसके अलावा हमने नोबेल प्राइज की ट्रिक भी देखी थी। तो ये सब वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को विजिट करके क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक करेंट अफेयर्स 2022 की वीडियोस देख सकते हैं। यदि हम अब आज की वीडियो में हम देखेंगे खेल करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अराउंड 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाना है वो कहाँ पे किया जाना है। तो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए तो इनका आयोजन आपके ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आपका 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाना है। तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आपका यहाँ पे किया जाएगा। दूसरी नेक्स्ट 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 न्यूज़ देखते हैं हम। ISIFF वर्ल्ड कप 2022 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसका सही आंसर रहेगा भारत ने यहाँ पे पदक तालिका में टॉप किया था। वहीं बात की जाए किस महान क्रिकेटर का अभी रिसेंटली निधन हुआ है, तो सेन वॉर्न का अभी निधन हुआ है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो थे उनका आपका सेन वॉर्न का यहाँ पे निधन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम कर 21वां ग्रैंड स्लैम जीता और विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने 21वां ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले ये टेनिस स्टार बन गए हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा स्पेन राफेल नडाल ये कहाँ के हैं? स्पेन के। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम कर 21वां ग्रैंड स्लैम जीता और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होना है को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी किसको स्पॉन्सर बनाया गया है? तो वाइजूस को फीफा 2022 का आपका स्पॉन्सर बनाया गया है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइजूस इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने वाली दुनिया की पहली डिजिटल एजुकेशन ब्रांड बन गया है। तो वाइजूस जो है वो पहला डिजिटल एजुकेशन ब्रांड बन गया है जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर करेगा। नेक्स्ट करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 का 22वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये नवंबर दिसंबर 2022 में कतर में आयोजित किया जाएगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजित किया जाएगा नवंबर दिसंबर में कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो सब भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये 14 वर्षीय तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम 14 वर्षीय तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम है जो वह भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। वहीं बात की जाए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2010 मीटर एयर पिस्टल में भारत की साइड से किसने गोल्ड मेडल दिलाया है? नहीं तो 19 ईयर ओल्ड सौरभ चौधरी ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है 10 मीटर राइफल में। वहीं बात की जाए ISSF वर्ल्ड कप 2022 की, तो ये कैरो इजिप्ट में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन जो किया गया था वो आपका कैरो इजिप्ट में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, इसके बाद चलते हैं खेल महाकुंभ। खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया है? खेल महाकुंभ का आयोजन गुजरात में किया गया था। ठीक है, ये अपना याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में थाईलैंड की बुशानन ओंग बा मरु गफान को हराकर स्विस ओपन 2000
22 जीता, किसने जीता, तो पीवी सिंधु ने, जो आपकी थाईलैंड की वशानन को हराकर स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। वहीं बात की जाए स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो स्विट्जरलैंड के बेसल्स में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट 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 न्यूज़ देखते हैं हम, नेक्स्ट करेंट अफेयर्स पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 2023वीं 2000 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 2023 की 2023 में 140वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसका मुंबई मुंबई इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 2023 की 140 बैठक का आयोजन आपका मुंबई इंडिया में होगा। वहीं बात की जाए शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी तक आयोजित किए गए थे, कहाँ पे आयोजित किए गए थे, तो ये आपके बीजिंग चाइना में, आपके बीजिंग चाइना में आपके शीतकालीन विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। हमने शीतकालीन बीजिंग विंटर ओलंपिक से रिलेटेड एक वीडियो में पूरा डिस्कस किया है, जिसमें कि हमने विंटर ओलंपिक 2022 के सारे जो भी करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरी थी वो हमने डिस्कस की थी। तो यदि आपने ये वीडियोस देखनी है तो आप वहां पर जाके ये वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर, जिसमें कुल 37 पदक थे, जिसमें 16 स्वर्ण पदक है, तो ये विंटर ओलंपिक से रिलेटेड है। विंटर ओलंपिक में जो फर्स्ट जो जिस जिस देश ने टॉप किया था वो आपकी नॉर्वे पदक तालिका में यहाँ पे शीर्ष पे थी, दूसरा जर्मनी था, तीसरा आपका चाइना था। तो नॉर्वे ने यहाँ पे 37 मेडल जीते हैं। वहीं जर्मनी की बात की जाए तो इन्होंने 27 मेडल जीते थे। तो यहाँ पे नॉर्वे की बात की जाए तो नॉर्वे ने यहाँ पे 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। नॉर्वे लगातार दूसरे विंटर ओलंपिक में आपका स्वर्ण पदक जीतने वाला देश बन गया है। 16 लगातार दूसरी बार विंटर ओलंपिक में टॉप पे रहने वाला देश बन गया है, जिसमें कि 16 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो किसी एक कंट्री के सबसे ज्यादा विंटर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है। वहीं नेक्स्ट बात की जाए प्रो कबड्डी लीग की, तो प्रो कबड्डी लीग 2022 का फाइनल, प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है, 8th सीजन प्रो कबड्डी लीग का किसने जीता है, तो दबंग दिल्ली ने ये आपका प्रो कबड्डी लीग का सेशन जीता है। नेक्स्ट बात चलते हैं फाइनल मुकाबले में दिल्ली ने पटना पायरेट्स को, तो दिल्ली ने दबंग दिल्ली ने किसको हराया था, पटना पायरेट्स को 37-36 से मात दी थी। दिल्ली ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी जीती है। वहीं पटना पायरेट का 4थी बार खिताब जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। तो जो आपकी बात की जाए पटना पायरेट्स ने ऑलरेडी 3 प्रो कबड्डी लीग जीत चुका है, दबंग दिल्ली ने यहाँ पहली बार प्रो कबड्डी लीग जीता था। तो ये ऑल अबाउट था हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ खास जो न्यूज़ थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। एक बार आप इनको डबल से क्विक रिवीजन देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।